जेई और नीट 22 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, भले ही आप फ्रेशर हैं या टॉपर हैं, और अगर आप 23 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और क्लास 11th में हैं, आई कैन अश्योर यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव, दैट इज गोइंग टू चेंज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रिपरेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो इस चीज से परेशान रहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होती रहती है. सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम बात करें तो अभी टर्म वन एग्जाम जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं बोर्ड का टर्म वन एग्जाम अपीयर करें, फिजिक्स में डिस्टर्ब हुए, इंग्लिश में डिस्टर्ब हुए, मैथ्स में हुए, आज केमिस्ट्री के पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी हैं और डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल पे इतना हाई कॉन्फिडेंस, ये जो फ्लक्चुएशन है इससे खराब हो जाता है, इतना हाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आने वाला एग्जाम हम फोड़ के ही आएंगे. और इस कॉन्फिडेंस को कैसे प्रैक्टिकली मैनेज कर सकते हो? हाई मोटिवेशन लेवल से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट प्रैक्टिकल मोटिवेशन, सस्टेन्ड मोटिवेशन तब आता है जब एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस स्टेबल होती है और आप फ्लक्चुएशंस को ओवरकम कर लेते हो. एंड यस माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके फ्लक्चुएशंस को ही स्टेबलाइज करने का एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो लगभग 1.5 महीना पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिले थे, उनको मैंने एक मेथडोलॉजी फॉलो करने को बोली, दे स्टार्टेड फॉलोइंग, और नाउ मैजिकली और ड्रास्टिकली आई कैन से उनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक स्टेबल हो गई. आई वोंट से दे आर रीचिंग एट द टॉप लेवल, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में एक स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी, और स्टेबल परफॉर्मेंस धीरे धीरे हमेशा ग्रो करती है अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हो. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जरूरी पहले आपके लिए स्टेबिलिटी है, उसके बाद परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट या ग्रोथ जरूरी है. तो जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूं उसको शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव कंटेंट विल रीच टू यू इन नो टाइम, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो सबसे ज्यादा काम करती है वो वीडियोज आप तक क्विकली पहुंचते रहे. सो आइए बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट जेई नीट 2022 के बारे में, और 11th के स्टूडेंट भी जो 23 के लिए प्रिपेयर करें, दे आर सून गोइंग टू क्लास 12, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस दिस वीडियो आउट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो सबसे क्रिटिकल और एक फैक्चुअल सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट प्रॉपरली अपने आप को सेल्फ असेस नहीं करते, या ये कहते हैं कि हम घर पे करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाते. इसका मतलब सेल्फ असेसमेंट तो आपका बहुत अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्सटर्नल असेसमेंट जब होने लगते हैं तो आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता. अगर आपका सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर है तो आप ये मान के चलिए आपका एक्सटर्नल असेसमेंट हाईली स्टेबल परफॉर्मेंस को मेंटेन करेगा. सो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट होता क्या है और कैसे किया जाता है, और इस सेल्फ असेसमेंट को अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो मैं चाहूंगा इस वीडियो पे 3 या 4 वीक बाद आके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, और आज कमेंट सेक्शन में ये डाल के इस वीडियो से जाना कि यस सर, आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर दिस ऑनेस्टली फॉर नेक्स्ट 3 or 4 weeks एंड देन आई विल कम बैक एंड लेट यू नो, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को देख लिया जो इस तरीके से वापस आके अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबलाइज कर चुके हैं और ग्रोथ ट्रैक पे आ चुके हैं, जो आपको भी फॉलो करना. आइए बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट के क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में. The very first thing is tag your concepts. What do you mean by tag your concepts? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हम physics, chemistry, maths या physics, chemistry, biology तीनों सब्जेक्ट में कई सारे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट या तीन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, दो फॉर्मूले हो सकते हैं, हर चैप्टर डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होता है. अगर हम चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स, टॉपिक्स के अंदर के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले उस लेवल पर एक्सपर्टीज गेन कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट या टैग्ड फॉर्मूले से लिंक्ड ही होता है. पर्टिकुलरली फॉर जेई मेन एंड नीट दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली. जेई एडवांस में पहले ही बता चुका हूं इट इज अ गेम ऑफ आईक्यू, जहां पे काफी चीजें चेंज होती हैं. तो हमारी बूस्टर चेकलिस्ट की जो सीरीज है, 22 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो बूस्टर चेकलिस्ट सीरीज फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दैट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ड्रास्टिकली फॉर योर एडवांस प्रिपरेशन. और अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो जेई एडवांस के लिए एडवांस इलस्ट्रेशन की बुक अवेलेबल है, इस बुक को अभी से चैप्टर्स के साथ पिकअप करना शुरू कीजिए ताकि आपकी ओवरऑल जेई एडवांस प्रिपरेशन बूस्ट हो सके. सो टैग योर कॉन्सेप्ट की अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं तो टैग योर कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपनी सबसे पहले कॉन्सेप्ट की लिस्टिंग शुरू कर दीजिए. कॉन्सेप्ट लिस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं ये बात पहले ही बताई जा चुकी है, और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अलग से मेंटेन करिए. कॉन्सेप्ट लिस्टिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर कॉन्सेप्ट लिस्टिंग का एक बेस आइडिया लेना चाहते हैं तो ब्रॉड लेवल की कॉन्सेप्ट लिस्टिंग आपको हमारे ही चैनल पे एक सीरीज है, एग्जाम मेमोरी मैप्स. आप किसी भी चैप्टर के एग्जाम मेमोरी मैप सीरीज खोल लीजिए और उसके जो मेमोरी मैप बने हुए हैं उससे आपको पता चलेगा एक चैप्टर को कितने ब्रॉड टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है. एक या दो भी आपने देख ली एग्जाम मेमोरी मैप्स तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम चैप्टर्स को
किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को ब्रेक करेंगे टॉपिक्स के अंदर, टॉपिक्स को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लेवल होते हैं वहां पे आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो कॉन्सेप्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और फॉर्मूले को टैग कर सकते हैं। सिर्फ ये वाली लिस्टिंग आपको तैयार करनी है और इस लिस्ट में तरीका वही होगा जो शॉर्ट नोट्स में था। पहले आपके जो भी क्लास नोट्स हैं उन क्लास नोट्स से चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को लिस्ट कीजिए, टॉपिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में अगर माइक्रो कॉन्सेप्ट हैं तो, और फॉर्मूले को टैग कर दीजिए, लिस्ट कर दीजिए, टैगिंग में अभी बताता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक खोलिए, एनसीईआरटी के उसी चैप्टर की हेडिंग्स को देखिए कि क्या सारी हेडिंग्स एज टॉपिक्स कवर हो गई हैं, हेडिंग्स के अंदर जो फॉर्मूले हैं या सॉल्व एग्जाम्पल में कोई कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट टैग हो गया है, लिख लिया गया है। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ हेडलाइंस लिखनी है, इस बात को ध्यान रखें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एग्जाम मेमोरी मैप के वीडियोज जो बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं उनको देखिए तो आपको पूरा खुद आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट की, टॉपिक की, कॉन्सेप्ट की, चैप्टर टॉपिक कॉन्सेप्ट, माइक्रो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को टैग करना है। इन आर एग्जाम मेमोरी मैप माइक्रो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले की लिस्टिंग नहीं है, लेकिन यहां तक कॉन्सेप्ट लेवल तक मैपिंग है। तो आप अगर इसको रिलेट करते हैं तो दिस गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब एनसीईआरटी बुक हो गई, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है वो हो गई, आपके क्लास नोट्स हो गए, अगर आपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कर दी तो अब आपको सिर्फ तीन तरह की टैगिंग करनी है। टैगिंग आई एम लिविंग अप टू यू, आइदर यू कैन मार्क ए बी सी, यू कैन मार्क 1 2 3, यू कैन मार्क इन एनी वे। कई स्टूडेंट्स टैगिंग को स्टार, स्माइली और सैड स्माइली फॉर्मेट में भी टैग कर देते हैं, इट्स ऑल अप टू यू विच एवर यू वॉन्ट टू टैग। ए का या स्टार का मीनिंग क्लियर कट होगा कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मैं ये क्वेश्चन फटाक से आराम से कर सकता हूं या कर सकती हूं। स्माइली बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये इस कॉन्सेप्ट में माइनर कंफ्यूजन है लेकिन काफी हद तक इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं। सैड फेस अगर है तो सैड फेस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखते ही मुझे कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है। अब ये जो ए बी और सी है ये आपके टॉपिक पे भी टैग होंगे, कॉन्सेप्ट पे भी होंगे, माइक्रो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे भी टैग होंगे। और जब ये टैगिंग होती जा रही है तो अब आप ये मान के चलिए आपके दिमाग में ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हार्डली आप मान के चलिए एक चैप्टर का एक पेज या हाफ पेज से ज्यादा ये वाली कॉन्सेप्ट लिस्ट नहीं बनेगी। हार्डली 15-20 पेज में आगे पीछे मिला के आप अपने पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट की टैगिंग कर सकते हैं या पर सब्जेक्ट भी करिए, आई एम लिविंग इट टू यू। लेकिन अगर ये टैगिंग प्रॉपरली आपकी हो जाती है तो इसके बाद का काम बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सेल्फ असेसमेंट शुरू करना है क्योंकि एक फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ असेसमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटेटिव एंड एडप्टिव प्रैक्टिस। रिपीटेटिव प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करें किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, तो उन क्वेश्चंस को कम से कम 3 या 4 बार रीअटेम्प्ट करना ही है। रिपीटेटिव प्रैक्टिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिपीटेटिव का मतलब है 3 to 4 अटेम्प्ट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आपको 3 से 4 अटेम्प्ट लेने ही हैं, यू मस्ट नॉट लूज इट। एडप्टिव प्रैक्टिस का मतलब है डिफिकल्टी लेवल प्रैक्टिस। जो आपके स्टडी मटेरियल, या आपने कोई डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन किया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइजेस ग्रेडेड लेवल पे होती है। पहले इजी, फिर टफ और काफी टफ, लास्ट में जाके PYQs की एक्सरसाइज होती है। कई जगह PYQ से हैवी एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल होती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इनको हम एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल प्रैक्टिस को एडेप्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। और इस सिचुएशन में वॉट यू आर गोइंग टू डू, आप अपनी 3-4 अटेम्प्ट हर एक्सरसाइज के करने हैं लेकिन पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सेकेंड करनी है, सेकंड के बाद वापस से फर्स्ट को रीअटेम्प्ट करिए, फिर वापस सेकंड के बाद थर्ड कीजिए, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद अगली एक्सरसाइज, फिर उसके बाद पीछे वाली, फिर थर्ड वाली, फिर पीछे वाली, फिर फोर्थ वाली। इन दिस फॉर्मेट अपनी रिपीटेटिव और एडप्टिव प्रैक्टिस दोनों चालू रहेंगी। स्टेप ग्रेडेड प्रॉब्लम्स पे आप लगातार काम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो टफ क्वेश्चंस हमसे नहीं होते तो ये वाली एक्सरसाइज टफ है, इसको छोड़ देते हैं। बट आई स्ट्रांगली इंसिस्ट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशन भी होंगे, भले ही टफ क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन फॉर्मेट में करिए। क्वेश्चन नहीं होता है, सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन को फिर छुपा के दोबारा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आप अगर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं तो आपको सिर्फ उन चीजों को एज सॉल्व एग्जांपल समझना है, फिर छुपा के दोबारा करना है। आई कैन अश्योर यू कि आप डिफिकल्टी लेवल कितना भी हो सॉल्यूशंस के साथ रेफर करते हुए 3 या 4 अटेम्प्ट में आप कमांड गेन कर सकते हैं।
अब सबसे बड़ी चीज आपकी कि इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो एबीसी कॉन्सेप्ट टैग है वो यहां पे भी इन क्वेश्चंस पे लगाना शुरू कीजिए। ग्रेजुअली यू विल रियलाइज ये तीन तीन चार चार अटेम्प्ट और डिफिकल्टी लेवल प्रैक्टिस के बाद यू विल रियलाइज कि काफी सारे सैड फेसेस स्माइली में कन्वर्ट हुए, स्माइली स्टार में कन्वर्ट हुए। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो क्रिटिकल, डिराइव क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूँ। एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड फॉलो करना शुरू कीजिए और हर लाइन में से जो भी क्वेश्चन दिमाग में बन रहा है कि ये जो लाइन है अगर ये आंसर है तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो कहीं पे भी टैग करना शुरू कीजिए। उन चीजों को अलग से एक कॉपी में क्वेश्चंस डिराइव करना शुरू कीजिए। जब आप डिराइव करेंगे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हुए, तो अपने आप आपके ये सैड, स्माइली और स्टार में अपग्रेडेशन होना शुरू होगा एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि काफी हद तक चीजें स्माइली और स्टार में कन्वर्ट होती जा रही है। आई वोंट सजेस्ट कि सारे स्टार में कन्वर्ट करो, बट सैड फेसेस को खत्म करना बहुत जरूरी है और उसका बेस्ट तरीका है अपनी टैगिंग और टैगिंग के साथ में रिपीटेटिव और एडेप्टिव प्रैक्टिस। ये मेथड हमने एक महीना पहले तीन या चार स्टूडेंट को बताया था, उसके बाद उन्होंने फॉलो किया एंड आफ्टर अ मंथ्स टाइम, विद इन अ मंथ्स टाइम आई कैन से कि उनका परफॉर्मेंस काफी हद तक स्टेबल होना शुरू हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मेथड में पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर की रीवर्किंग होती रहती है और एक एल्गोरिथमिक मेथड है जिस मेथड के साथ आप अपने चैप्टर में इन्वॉल्व रहते हैं और स्माइली और स्टार और सैड फेसेस के बीच में घूमते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो जाता है और फ्लक्चुएशन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन टू फॉलो दिस मेथड। थोड़ा सा मैंने इलाबोरेट करके समझाया बट स्टिल आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जाइए और आफ्टर 3 to 4 weeks आके बताइएगा कि हाउ मच डिफरेंस यू आर फीलिंग। आई कैन अश्योर यू योर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर स्टेबिलिटी और स्टेबल परफॉर्मेंस इन एनी एग्जाम यू आर गोइंग टू अपियर। विश ऑल द बेस्ट।